लेफ्ट साइड का मिरर भी देखना पड़ रहा है दोस्तों। सामने वो साइकिल वाला खड़ा था। तो दोस्तों मैं इधर लेफ्ट साइड में जाऊंगा। आप देख सकते हैं ये ऑटो रिक्शा बहुत नज़दीक से आगे निकल गया था। यहाँ पर देखिए जजमेंट, राइट साइड का मार्कर और लेफ्ट साइड का मार्कर। किसी चीज़ अगर ये डेंजर जोन के अंदर आ जाता है तब मैं समझूंगा, मैं उस जगह से नहीं निकल सकता हूँ और मुझे वहाँ से निकलना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरा ये गाड़ी का आगे का जो पहिया है उसे मैं ये वाइट कलर का मार्कर के बराबर मैंने पार्क किया। पहले आपको ऐसे कुछ इस तरीके से गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा। देखिए पीछे का भी पहिया बिल्कुल ये वाइट कलर का मार्कर के ऊपर पार्क्ड है। तो पहले आप किसी एक जगह को ढूंढ लीजिए जहाँ पर कुछ इस तरह का मार्कर होगा। अगर मार्कर नहीं भी है तो कुछ ईंट या पत्थर को आप निशान जैसे छोड़ सकते हैं और उसे देख के मैं आगे आपको बता रहा हूँ कैसे लेफ्ट साइड का जजमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं विंडस्क्रीन में दो मार्कर स्टिक करके रखा हूँ। अभी मैं ड्राइवर सीट में बैठा हूँ और मेरा कैमरा का पोजीशन बिल्कुल मैं जिस तरीके से रोड को देखता हूँ उसी तरीके से सेट किया हूँ। सीट भी मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने दोनों टेप अटैच किया हूँ। लेफ्ट का जो टेप है वो व्हाइट कलर का मार्कर के बराबर जा रहा है। लेफ्ट साइड का टायर जिस रास्ते से जाते हैं, जिस रेखा बराबर जाते हैं, उसी रेखा को ये लेफ्ट साइड का टेप यूज करके मैंने मार्क करता हूं। और सेम तरीके से मैं ये राइट साइड का टेप यूज करके राइट टायर जिस रेखा बराबर चलते हैं उस रेखा को मार्क करता हूं। तो दोस्तों अभी आप समझ सकते हैं ये दोनों टेप के अंदर का जो एरिया है इसे डेंजर जोन कहा जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए वहाँ पर एक वैन खड़ी है और अगर मैं अभी सीधा चलाऊंगा तो वो वैन के साथ मेरा टक्कर हो जाएगा क्योंकि वो वैन या डेंजर जोन के अंदर है। तो किसी भी चीज़ अगर बहुत नज़दीक चले आते हैं और डेंजर जोन के अंदर चले आते हैं तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। इधर हम लोगों को दाहिने बाएं मुड़ना पड़ेगा और नहीं तो गाड़ी को रुकना पड़ेगा। और दोस्तों ये टेप का जो बाहर का जो एरिया है यहाँ पर अगर कुछ होता है तो उसके साथ हमारा टक्कर नहीं होगा, तो इसे दोस्तों हम सेफ जोन कहेंगे। तो दोस्तों अभी चलिए एक बार गाड़ी चला के आपको पूरा दिखाता हूँ किस तरीके से मैं जजमेंट करता हूँ। आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि किस तरीके से एक एक्सपीरियंस ड्राइवर लेफ्ट राइट साइड का जजमेंट करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल में अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पहले आपको चलिए दिखाते हैं किस तरीके से मैं ये वाइट कलर का मार्कर के बराबर गाड़ी को पार्क किया था। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने ये वाइट कलर का मार्कर के साथ अलाइन करके पार्क किया था। और इसे अलाइन करने के लिए मैं ये दोनों जो टेप है इसे इस्तेमाल करूँगा। देखिए अभी ये मार्कर थोड़ा इस तरफ है, दाहिने तरफ है, इसका मतलब गाड़ी और लेफ्ट साइड में जाएगी। अभी अभी देखिए अभी ये बराबर हो चुका है लग रहा है मुझे देख के। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं पैसेंजर के सीट में आ गया दोस्तों। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं आगे का टायर अलाइन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे का टायर भी बिल्कुल बराबर से अलाइन हो चुका है। और ये पैसेंजर सीट है, अभी आप देख सकते हैं पैसेंजर सीट से ये मार्कर का डिस्टेंस कितना है, लगभग 3 से 4 इंच दूरी में है। और सेम तरीके से मैं दाहिने साइड का भी वो मार्कर को वहाँ पर स्टिक किया था, वो भी किनारे से थोड़ा अंदर है। दोस्तों ये वीडियो मैं मेनली बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन लोगों को होता है लेफ्ट साइड राइट साइड जजमेंट करने के लिए।
और लेफ्ट राइट साइड का जजमेंट सही से होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होता है दोस्तों। और हालांकि बिगिनर्स ही नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंस ड्राइवर भी है, उनको भी कभी कभी सही टेक्निक का पता नहीं रहता है। तो मैं आशा रखता हूँ उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, मैं एक गली के रास्ता ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे जाके मैं अच्छी तरह से लेफ्ट राइट साइड का जजमेंट आपको दिखा सकता हूँ डेमो करके। ये मेन रोड है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लेंस है, मगर गली के रास्ते में इतने सारे लेंस नहीं रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इधर लेफ्ट साइड में जाऊंगा। आप देख सकते हैं ये ऑटो रिक्शा बहुत नज़दीक से आगे निकल गया था। यहाँ पर देखिए जजमेंट, राइट साइड का मार्कर और लेफ्ट साइड का मार्कर, ये दोनों मार्कर के बीच में जो जगह है इसको मैं डेंजर जोन कहूँगा, क्योंकि ये दोनों मार्कर के बीच में मेरा गाड़ी चलता है और ये दोनों मार्कर के दोनों साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, इसे मैं सेफ जोन कहूँगा। तो कोई भी इंसान, कोई भी गाड़ी जब सेफ जोन में रहेगा तब मैं ये सोचूंगा मैं उस जगह से निकल सकता हूँ। मगर किसी चीज़ अगर ये डेंजर जोन के अंदर आ जाता है तब मैं समझूंगा मैं उस जगह से नहीं निकल सकता हूँ और मुझे वहाँ से निकलना नहीं चाहिए। देखिए, ये साइकिल अभी डेंजर जोन में है तो मुझे यहाँ पर थोड़ा एंटिसिपेट करना पड़ा। बस को मैंने एक बार डिपर किया और उसके बाद मैं आगे निकलना शुरू किया। अभी देखिए लेफ्ट साइड का रास्ता कितना नैरो लग रहा है ना, क्योंकि ये जो इनोवा गाड़ी आ रहा था वो थोड़ा राइट साइड में आके चला रहा था, उनके लेफ्ट साइड में रास्ता शायद ख़राब था। यहाँ पर अभी देखिए मुझे ब्रेक करना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि ये टैक्सी मेरा डेंजर जोन में आ गया था और मैं आगे नहीं निकल सकता था। अभी देखिए ये ऑटो अभी सेफ जोन में है। मुझे कभी कभी लेफ्ट साइड का मिरर भी देखना पड़ रहा है दोस्तों। सामने वो साइकिल वाला खड़ा था इसलिए मुझे रुकना पड़ा था दोस्तों। यहाँ पर रोड में छोटा मोटा खड्डा है तो खड्डा को देख के मुझे चलाना पड़ रहा है दोस्तों। तो इसके मिडिल का जोन जिसे मैं डेंजर जोन कह रहा था, तो आपको देखना पड़ेगा ये डेंजर जोन के अंदर अगर कुछ चले आते हैं तो उस जगह पे आपको रुकना पड़ेगा, आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि आगे अगर जाएंगे तो खतरा हो सकता है, आपके गाड़ी के साथ किसी का इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रोड में एक कर्व है तो इसलिए ये ऑटो वाले भाई साहब स्लो चल रहा है, फिर भी मैं इसे ओवरटेक नहीं कर रहा हूँ। ये कर्व टाइप का जगह है, इस टाइप का कर्व में ओवरटेक करना अलाउड नहीं है, क्योंकि सामने से क्या आ रही है ये मुझे पता नहीं चलता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक बस निकल रहा है, ये जगह टोटली कर्व है। और सिर्फ कार भी नहीं, यहाँ पर स्पीड रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक स्पीड ब्रेकर भी दिया है दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पर स्ट्रेट रास्ता आ गया तो मैं यहाँ पर इसे ओवरटेक करूँगा। देखिए वो डेंजर जोन से बाहर निकल गया और मैंने उनको तुरंत ओवरटेक कर लिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये गाड़ी जब बहुत दूर था तब क्या हुआ था, तब वो मेरा ये डेंजर जोन के अंदर आ गया था, मगर नज़दीक आने के वक्त वो डेंजर जोन से बाहर निकल के सेफ जोन में चला गया। तो दोस्तों, शुरू शुरू में आप जब गाड़ी चलाना सीखोगे तब आपको कभी कभी थोड़ा बहुत डर लग सकता है
किसी गाड़ी को अगर आप डेंजर जोन में देखेंगे, जैसे यह गाड़ी चलाया था अचानक से, तब आपको थोड़ा बहुत डर लग सकता है, मगर डरने की कोई बात नहीं है। आप ब्रेकिंग पहले अच्छी तरह से सीख लीजिए। ब्रेक और एक्सेलरेटर, यह दोनों पेडल को आपको बहुत सही तरीके से पहचानना पड़ेगा। ब्रेक जब करेंगे तब ब्रेक ही करना है, एक्सेलरेटर दबाना नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत गलती अगर हो जाता है ना, तो डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है। दोस्तों देखिए, यह बस आ गया था मेरा डेंजर जोन के अंदर, तो मैं थोड़ा लेफ्ट में गया और बस को पास कर दिया दोस्तों। तो ये चीज़ थोड़ा अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना गाड़ी चलाओगे उतना आपका अभ्यास होगा और उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। शुरुआत में आप ऐसे सड़क में मत ही चलाइए, ऐसे ही मैं रिकमेंड करूँगा। जितनी दिन से आपका ब्रेक में और एक्सीलेटर में पैर नहीं जमता है, उतना दिन आप ऐसे सड़क में गाड़ी मत चलाइए, वही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। देखिए यहाँ पर मैं धीरे धीरे राइट साइड में आ गया। देखिए यहाँ पर लोग इस तरफ जा रहे हैं, पीछे भी लेफ्ट साइड में एक बाइक है, तो मैं इसलिए ज़्यादा लेफ्ट में नहीं जा रहा हूँ। ज़्यादा लेफ्ट में जाऊँगा और अचानक से पीछे का जो बाइक वाला भाई साहब है वो अगर लेफ्ट में घुसा दिया तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अभी देखिए इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में ऊंचा एक जगह है, ढलान है, तो वहाँ पर भी मुझे लेफ्ट साइड का टायर का सही से जजमेंट करना पड़ रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।